अवतार द वे ऑफ वाटर बस अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी है और फिल्म 3 घंटे 12 मिनट की है, लेकिन कहना पड़ेगा कि बहुत कम ये फिल्म ऐसा है जब आपको लगेगी कि ये आपको बांध के नहीं रख रही है। अब आई थिंक सबसे पहले अगर आपने ट्रेलर देखा हो और जो पहली फिल्म आई थी 12-13 साल पहले, बहुत ही लंबा वेट रहता है यू नो ऑडियंस के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जो डायरेक्टर है जेम्स कैमरन साहब वो अपनी ये दुनिया क्रिएट करने में यू नो जाहिर है टाइम लगता ही है। और इस फिल्म की शूटिंग जो मैंने पढ़ा था 2017 में शुरू हुई थी और 2020 में ख़त्म हो गई और अभी एक दो फिल्में और आने बाकी है इसी सीरीज़ में। और ज़्यादा तो कुछ तो नहीं ये नहीं कह सकते स्टोरी का, बस इतना कहूँगा कि जो कहानी पहली फिल्म की है यू नो जो एक प्राइम जो इस फिल्म का कोर है वो है बेसिकली अबाउट ह्यूमन एक्सप्लॉइटिंग नेचर, तो वही चीज़ है। बस ये है कि पिछली फिल्म में एक पेंडोरा प्लैनेट का फॉरेस्ट था और यहाँ पे एक पेंडोरा से दूर एक आइलैंड है जिसका नाम शायद मेक तीना ऐसा करके कुछ तो है, तो वही है बस वो ह्यूमन वर्सेस नेचर या जो कहे जैसे अवतार की भाषा में कहते हैं स्काई पीपल, तो वही है जंग, वही है स्काई पीपल वर्सेस जो हमारे लीड है यू नो जेक सोली, उनके परिवार है, 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चा अडॉप्टिव है और मेरे ख्याल से जो उनका अडॉप्टेड बच्चा है किरी दैट्स वॉइस्ड बाय सिग्नी वीवर जिनकी उम्र 70 कहना तो नहीं चाहिए, वैसे उनकी रिवील तो नहीं करना चाहिए, बट उनकी उम्र 70 साल के ऊपर है। और यही मुझे कमाल लगी कि जब ट्रेलर देखा तब ऐसा कुछ अंदाज नहीं था कि वो जो किरी नाम की जो बच्ची है, अगर आप देखें कि जो समुंदर के अंदर मस्त स्विम कर रही है और आकर्षित चीज़ों को देख रही है क्रीचर्स को, वो जो कैरेक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी का। ज़्यादा आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं बिकॉज मना किया गया है और ठीक भी नहीं। तो ये कहूंगा कि कहानी वाइज यू नो बस ये है एक अगर इन्हें सिंपल शब्द में बयान करूं तो बस जेक सुली के जो बच्चे हैं यू नो वो अपने पिताजी और अपनी माताजी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी में ये पूरी पिक्चर यू नो 3 घंटे की बनाई गई है। अब बस ऑब्वियसली जो सबसे आपको आश्चर्यजनक करने वाली चीज़ है तो वो है इसकी विजुअल अपील, जो जाहिर है यू नो 10-12 साल टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण और तो वो जो एक विजुअल अपील है यू नो विजुअल स्टोरी टेलिंग है वो इस फिल्म का बहुत स्ट्रॉन्ग है कम्पेयर टू द फर्स्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कि एक ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग की यू नो फ्रॉम द क्रिएटिव साइड, तो शायद मेरे लिए पहली फिल्म वो ज़्यादा मुझे कनेक्ट कर रही थी, यहाँ मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव सब लग रहे थे लेकिन फिर भी मुझे पता था कि हाँ एक फिक्शन है। पहली फिल्म में ऐसा लग रहा था कि वाकई हम किसी एक प्लैनेट में घुस गए हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके विजुअल स्टोरी टेलिंग है, इसके VFX है एंड परफॉर्मेंस भी खासकर सिग्नी वीवर के जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जाहिर है यू नो आई थिंक इट्स सच काइंड ऑफ फिल्म, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और इस स्केल का एंटरटेनमेंट यू नो ये तो मैं कहूँगा कि बस नसीब वालों को ही है ये स्केल का एंटरटेनमेंट देखने मिलता है। तो मेरी लोगों से बस वही गुजारिश है प्लीज़ गो इन, टिकट इसके महंगे हैं बिकॉज फिल्म का बजट भी 3,000 करोड़ है तो महंगा है, तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा प्लीज़ जाइए अपने परिवार के साथ, ये बिल्कुल आउट एंड आउट फैमिली फिल्म, क्योंकि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कहानियाँ हैं परिवार की यू नो फैमिली, तो हमारे हिंदी सिनेमा हमारा इंडियन सिनेमा ही बनाता है, बस ये है कि यही कहानियाँ विदेशी लोग भी बनाते हैं जेम्स कैमरन जैसे डायरेक्टर, जाहिर है उनकी सेंसिबिलिटी जो है उनकी जो टेक्निक्स है उनका जो विजन है ऑब्वियसली वो काफ़ी ऊँचा तो भले नहीं कहूँगा बट वो 7 समुंदर पार वाला उनका विजन है। तो खैर आई थिंक रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म को मैं देता हूँ 3.5 में से 3.5 स्टार।